अपना वादा अब पूरा करने जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत होने जा रही है। ये एक ऐसी योजना है जिसमें किसानों को उनका वाजिब हक, सम्मान और दाम पूरे बोनस के साथ मिलेगा। भूपेश सरकार प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ की राशि देने जा रही है। आइए देखते हैं कि क्या है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इक्कीस मई एक ऐसी तारीख जिसे हम अभी तक भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के तौर पर याद रखते हैं। अब उसे छत्तीसगढ़ में हम किसानों के साथ किए गए न्याय के लिए भी याद रखेंगे, क्योंकि इसी 21 मई को भूपेश सरकार राजीव गांधी किसान योजना की शुरुआत करने जा रही है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में इस योजना का विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि और किसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। इस योजना के शुभारंभ की पूरी तैयारी राज्य सरकार ने कर ली है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम भूपेश बघेल करेंगे शुभारंभ। किसानों के खाते में पहुंचेगी 5700 करोड़ की राशि। डीबीटी के माध्यम से 4 किश्तों में दी जाएगी राशि। धान, मक्का, गन्ना के किसानों को होगा फायदा। 19 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। गन्ना किसानों को 2018-19 का बकाया बोनस भी मिलेगा। दलहन तिलहन पर भी मिलेगी सहायता राशि। इस योजना में धान फसल के लिए 18,34,834 किसानों को प्रथम किश्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 10,000 रुपए दिया जा रहा है। इसी तरह गन्ना फसल के लिए 2019-20 में अधिकतम 355 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के 34,737 किसानों को 73 करोड़ 55 लाख रुपए 4 किस्तों में मिलेंगे, जिसमें प्रथम किस्त 18 करोड़ 43 लाख 21 मई को दिया जा रहा है। वहीं 2018-19 में किए गए खरीदी में 50 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके तहत प्रदेश के 24,414 किसानों को 10 करोड़ 27 लाख रुपए दिए जाएंगे। आधुनिक भारत के स्वप्नदृष्टा, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की शहादत दिवस 31 मई को है। हम सब उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। उस दिन एक नई योजना हम छत्तीसगढ़ में लागू करने जा रहे हैं, जिसका नाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना। 19 लाख किसानों को, चाहे वो धान उत्पादक हो, चाहे गन्ना उत्पादक हो, चाहे वो मक्का उत्पादक हो, उनके खाते में 5,700 करोड़ रुपया अंतरित किए जाएंगे। वास्तव में भूपेश सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। एक बार फिर उन्होंने इसे किसानों के साथ न्याय कर इसे साबित कर दिया है। रायपुर से वैभव शिव पांडे की रिपोर्ट। बताएं कुछ और खबरों के लिए।